तो इसमें हमारा दशमलव रिस्ट पहला है, दूसरा आर्बिट्रॉन, तीसरा डेक्सोरेन, चौथा है आपका जिप्रो, पाँचवा आपका लिफ 52, छठा है आपका सिपान सिरप, सातवां आपका डाइजीन है और आठवां आपका नीरिया आ जाता है, उसका अगला नंबर आता है M2 टोन सिरप और एप्टीवेट तथा रिस्टोजाइम और लास्ट में हमारा जाता है साफी सिरप। तो ये 12 सिरप के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये 12 सिरप सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं। तो मैं वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले आपको दिखा देता हूं। तो देखिए, जैसा कि मैं आपको एक वीडियो को एक दिखा देता हूं सिरप का कि क्या क्या चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस सिरप इसके बारे में। तो सबसे पहले हम यूज की बात करेंगे, जैसे कि इसमें पेशाब में जलन, गुर्दे, ये सब दिखा रहा है। और इसके साथ उसके बाद हम डोज की बात करेंगे, मतलब कितनी मात्रा में किसको देना है, कैसे देना है, ठीक है, और डोज और उसका देने का तरीका, जैसे कि इसमें दिन में 2 बार खाने के बाद ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट के बारे में और थोड़ा सा हम इस पिक्चर में जो जानकारी दी रहती है, जैसे कौन सी कंपनी बनाई है, कितना MRP है और इसमें क्या क्या मिला हुआ है, ये भी शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा जानते हुए चलेंगे क्या केमिकल कंपोजिशन है। कुल मिला के बात करें तो आपको सारी जानकारी लगभग लगभग मिल जाएगी कि किस दवा से मिलकर बना हुआ है, क्या नाम है, पैकेजिंग कैसा है, प्राइस कितने का है, यूज क्या है, डोज क्या है, कैसे लेना है, साइड इफ़ेक्ट क्या है, सब कुछ और किन किन बीमारियों में दिया जाता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें अपने पहले सिरप के बारे में, तो पहला सिरप हमारा आ जाता है नीरी सिरप। नीरी सिरप के यूजेज के बारे में बात करते हैं, क्या क्या इसके उपयोग होते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम शॉर्ट में जान लेते हैं कि ये नीरी सिरप बेसिकली क्या होता है। तो ये एक टाइप का, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नीरी सिरप, ये एक टाइप का आयुर्वेदिक सिरप है, ठीक। और ये यहाँ पे बर्निंग मिक्चुरेशन और यूरिनरी इन्फेक्शन दिया हुआ है इंडिकेशन में, मतलब किन किन बारे में इसको आप दे सकते हैं। तो कुल मिला के किडनी से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है उसमें ये दिया जाता है। अब बात करते हैं किन किन चीज़ों में दिया जाता है और डोज क्या है। तो यूजेज की बात करें, हम सबसे पहले बात करें यूज की, किन किन बारे में दिया जाता है। सबसे पहला है आपका पेशाब में जलन की समस्या, दूसरा आपको आ जाता है UTI की समस्या, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसका मतलब होता है कि आपके पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाता है या फिर आपका जो पूरा यूरिनरी सिस्टम है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको दिया जाता है। गुर्दे की पथरी की समस्या होती है उसमें भी दिया जाता है। प्रोस्टेट से संबंधित विकार होते हैं तो उनमें भी दिया जाता है, जैसे कि आपका जब प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन हो जाती है तो उसमें भी ये दिया जाता है। इसके साथ में पेशाब खुलकर जिनको नहीं होता है उनको भी दिया जाता है। ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में काम करता है, मतलब इन्फेक्शन को दूर हटाता है और आपको जो यूरिनरी सिस्टम है उसको अच्छे से वर्क करने में मदद करता है। तो आप जैसा कि यूजेज देख चुके होंगे, पेशाब में जलन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, गुर्दे की पथरी, प्रोस्टेट संबंधी विकार, या जिनका प्रोस्टेट बढ़ जाता है उनमें जाता है, जिनको पेशाब बार बार होती है खुल के नहीं होती उनको दिया जाता है, ठीक है। इन तरीकों की प्रॉब्लम में या पेशाब में जलन की समस्या में दिया जाता है। बात कर लेते हैं डोज क्या है। डोज में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको 10 से 15 ml गुनगुने पानी के साथ इसका उपयोग करना है। 10 से 15 ml गुनगुने पानी के साथ, 10 से 15 ml इसको आपको ले लेना है सिरप को, और उसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी आपको डाल लेना है, उसके बाद इसका आप पी सकते हैं। और कितनी बार लेना है बात करें तो इसको दिन में 2 बार आप खाना खाने के बाद ले सकते हैं। और सही रहेगा कि आप डॉक्टर की सलाह लेकर डोज का कैलकुलेशन करें, या डॉक्टर जितना बताते हैं उतना आपको पीना चाहिए। ये जो मैं आपको डोज बता रहा हूँ सभी दवाओं का, ये नॉर्मल डोज होता है, नॉर्मल ये इसका मात्रा होता है पीने का। अब बात करें साइड इफ़ेक्ट क्या है, तो साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट में पेट की गड़बड़ी आपको हो सकती है, एलर्जी का दिक्कत रिएक्शन हो सकता है। कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट इसके वजह से होते नहीं है, पर ये साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। कभी कभी पेट में दर्द या पेट में मरोड़ जैसी समस्या आपको हो सकती है। अब बात कर लेते हैं अगले सिरप के बारे में। तो अगला हमारा सिरप आ जाता है M2 टोन सिरप, जो कि चरक फार्मा का है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये नॉन हार्मोनल और मेस्टुअल मॉड्यूलेटर है, मतलब कि मेस्टुएशन को ठीक करता है, मासिक चक्र को ठीक करता है, जो महिलाओं का मासिक चक्र होता है उसको ये सही करता है। यूज की बात कर लेते हैं, यूजेज में आपका आ जाता है मासिक धर्म चक्र में सुधार, जिनका महीना अच्छे से नहीं आता है या महीना रुक रुक के आता है उनमें इसको दिया जाता है। पीरियड के दर्द को कम करता है ये, जैसे अब अगर जब महीना आता है तो बहुत ज़्यादा अगर मेंस्ट्रुएशन के समय में पेट दर्द करता है उसमें भी इसका उपयोग आप ले सकते हैं। और PCOS जैसी समस्याओं में इसका उपयोग किया जाता है, तथा बांझपन और अंडा कम बनने जैसी समस्याओं तथा हार्मोन को कम बनने जैसी समस्याओं में इसको दिया जाता है। अगर आपका हार्मोन कम बन रहा है, हार्मोन को संतुलित करता है
और PCOS जैसी समस्याओं छुटकारा दिलाता है। इसके साथ में मासिक धर्म के चक्र को सही करता है, मतलब इनरेगुलर मेंस्ट्रुएशन को भी ये ठीक करता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बात कर लेते हैं डोज क्या है, कितनी मात्रा में हमें इसका उपयोग कराना चाहिए। तो 15 से लेकर 30 ml इसको बराबर मात्रा में पानी को मिला करके उसको खाना खाने के बाद आप पी सकते हैं। ये इसका नॉर्मल डोज होता है और लेने का तरीका होता है। लेने का तरीका आप एक बार और ध्यान से देख लीजिए। इसको 15 से 30 ml सिरप लेके उसके बाद आपको 15 से 30 ml बराबर मात्रा में पानी मिलाने के बाद उसके बाद आप इसको खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं तो इसको दस्त की समस्या हो सकती है इसको लेने से आपको, मतलब लूज मोशन की समस्या हो सकती है, वजन बढ़ने की समस्या, साथ में मतली आना या उल्टी आने जैसी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। बात करें हम अपने अगले सिरप के बारे में तो अगला सिरप आपका आ जाता है 10 मूलारिष्ट सिरप। 10 मूलारिष्ट सिरप जिसको कि डाबर कंपनी बनाती है, डाबर कंपनी काफ़ी ज़्यादा फेमस आयुर्वेदिक दवाओं को लेकर के। तो 10 मूलारिष्ट सिरप जो है 10 मूलारिष्ट ये किन किन चीज़ों में यूज होता है इसको ज़रा सा हम देख लेते हैं। तो इसका जो यूज है वो है शारीरिक कमजोरी की समस्या में, स्टेमिना की कमी में, और मासिक धर्म ठीक करता है ये, और पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है, और एक टानिक के तरीके से ये औरतों के लिए काम करता है जब ज़्यादातर औरतों की डिलीवरी होती है या फिर वो एबॉर्शन की दवाएं खा लेती हैं तो उसके बाद इसका उपयोग किया जाता है, जिससे कि उनका जो उनको शरीर को ताकत मिलती है, स्टेमिना उनका बढ़ता है, और साथ में मासिक धर्म को भी ये ठीक करता है, और इसके साथ में पाचन शक्ति बढ़ाता है जिससे वो उनका जो हेल्थ है वो ख़राब नहीं होता है। अब अगला हम बात करें डोज के बारे में तो कितनी मात्रा में इसको लेना चाहिए। तो 15 से 30 ml इसको लेना है, बराबर मात्रा में पानी मिला करके खाना खाने के बाद आपको इसको पीना है। अब बात कर लेते हैं साइड इफ़ेक्ट क्या होता है। तो साइड इफ़ेक्ट आप देख लीजिए, पेट की गड़बड़ी की समस्या हो सकती है, जलन हो सकता है, कोई ज़्यादा वैसे साइड इफ़ेक्ट इसका होता नहीं है, पर अगर साइड इफ़ेक्ट ये सब होते हैं या फिर एलर्जिक रिएक्शन होती है तो आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। और ज़्यादातर ये साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है, ये साइड इफ़ेक्ट होता नहीं क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक दवा है। हमारा अगला सिरप आ जाता है डाइजीन सिरप, जो कि एंटासिड है और एंटी गैस ये सिरप है, ठीक है। डाइजीन सिरप जो है ये मिंट फ्लेवर में आपका आता है और एबॉट कंपनी इसको बनाती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा गैस के लिए उपयोग किया जाता है, पर मेन इसका क्या उपयोग होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए यूजेज क्या है। गैस की समस्या अगर आपको होती है, कब्ज की समस्या होती है, पेट फूलता है, पेट में जलन होती है, अपच होता है, और इसके साथ में अगर आपको पेट साफ ना होने की समस्या है, पेट में छाले हैं, खाना खाते ही जलन होने लगती है, तीन सभी समस्याओं में इसका उपयोग किया जाता है, या जिनका पेट अच्छे से साफ नहीं होता, सुबह जाते हैं कई बार जाना पड़ता है, उनको भी इसका उपयोग किया जाता है। डोजेज की बात कर लें कितनी मात्रा में इसको लेना है, तो 10 ml खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको लेना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद 10 ml सिरप को उपयोग करना है। पेट में जलन होने पर खाना खाने से पहले इसको उपयोग करना है। आप खाना खाने से पहले 10 ml इसका उपयोग कर सकते हैं पेट में अगर आपको जलन होती है तो। अब बात कर लेते हैं साइड इफ़ेक्ट की, क्या साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उल्टी, डायरिया, पेट में ऐठन या पेट में दर्द, सिर दर्द, सांस लेने में समस्या, इन ये सभी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलता है तो आप डॉक्टर से संपर्क करें और इस सिरप को तुरंत लेना बंद करें। हमारा अगला सिरप आ जाता है आपका एप्टीवेट सिरप। एप्टीवेट सिरप भी बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। ये एक आयुर्वेदिक सिरप है जिसको कि ल्यूपिन फार्मा बनाती है। ल्यूपिन फार्मा काफ़ी ज़्यादा फेमस फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो इसको बनाती है। अब बात कर लेते हैं इसके क्या यूजेज होते हैं। तो यूजेज की बात करें तो ये भूख ना लगने जैसी समस्या में, अपच की समस्या में, कमजोरी तथा कब्ज जैसी समस्याओं में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये खाना पचाने में भी मदद करता है और आपकी भूख को भी बढ़ाता है। बात कर लेते हैं डोजेज के बारे में, तो इसको 10 ml सुबह और शाम लेना है। बच्चे जो हैं वो 5 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद इसका उपयोग कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो एलर्जी या डायरिया या लूज मोशन जैसी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। वैसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट इसके होते नहीं हैं क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक सिरप है। अगला हमारा सिरप आ जाता है सिपान सिरप। सिपान सिरप बहुत ज़्यादा फेमस सिरप है और बहुत पहले से ये सिरप कंपनी बना रही है और बहुत सारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो भी पीते थे और इस समय भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है।
इस सिरप की बात करें तो इसमें साइप्रोहेप्टाडीन नाम की दवा मिली हुई होती है, साइप्रोहेप्टाडीन, जो कि एक तरीके की एंटी हिस्टामाइन ड्रग होती है। अब बात कर लेते हैं इसका उपयोग क्या किस किस चीज़ों में किया जाता है। यूजेज की बात करें तो खून की कमी की समस्या में, एनीमिया की समस्या में, कमजोरी की समस्या में, भूख ना लगने की समस्या में तथा सर्जरी के बाद इसका उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से ये खून को बनने में मदद नहीं करता है, इसमें किसी तरीके का आयरन या फोलिक एसिड नहीं पाया जाता है, बट ये आपकी भूख को बढ़ाता है जिससे कि जिसकी वजह से आप खाना अच्छे से खाने लगते हैं, जिसकी वजह से आपका जो खून है वो भी बढ़ने लगता है तथा कमजोरी आपकी दूर होती है। और इसको सर्जरी के बाद इसलिए दिया जाता है, बहुत सारे लोगों को सर्जरी या ऑपरेशन या लंबी बीमारी के बाद भूख लगना बंद हो जाता है, तो इसलिए इसका उपयोग कराया जाता है ताकि भूख ज़्यादा लगे। और इसका एक और उपयोग होता है कि इस सिरप को जब आप पियेंगे तो आपको एलर्जी की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसका क्या डोज होता है। तो मुख्य उपयोग तो अब मैं आपको बता दिया हूँ कि भूख लगने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, भूख बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डोज के बारे में। तो डोज जो इसका होता है वो होता है 10 ml। जो जवान लोग हैं, जो वयस्क लोग हैं जिनकी उम्र 13 या 14 साल से ऊपर है, वो 10 ml सुबह और शाम ले सकते हैं। बच्चे जो हैं, जो 12 साल से छोटे हैं, उनको 5 ml लेना चाहिए सुबह शाम, खाना खाने के बाद इसको लेना चाहिए, और खाना खाने से आधा घंटा पहले भी ले सकते हैं, बहुत सारे लोगों को ये दिया जाता है। और बात करें साइड इफ़ेक्ट की, साइड इफ़ेक्ट में पेट में दर्द, कब्ज और इसके साथ में एलर्जी या डायरिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं। पर एक साइड इफ़ेक्ट जो मैं आपको इसमें मेंशन नहीं किया हूँ, लिखा नहीं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इसको ज़्यादा मात्रा में उपयोग करेंगे तो आपको नींद आने जैसी समस्या देखने को मिल सकती है, नींद आपको ज़्यादा आने लगेगी अगर आप इसका ज़्यादा उपयोग करेंगे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम अपने अगले सिरप के बारे में। अगला हमारा सिरप आ जाता है हमदर्द कंपनी का साफ़ी, जो कि एक तरीके का नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर है जो खून साफ़ करने में मदद करता है। जो साफ़ी सिरप है इसको हम यूज करेंगे खून की सफाई के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, अपनी जो प्रतिरक्षा प्रणाली इसको मजबूत करने के लिए, खुजली और चर्म रोग जैसी समस्याओं में इसका उपयोग किया जाता है। और इसकी डोज की बात कर लेते हैं तो डोज इसका 10 ml सुबह शाम आप खाना खाने के बाद ले सकते हैं। बच्चे जो हैं वो 5 ml सुबह और शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो पेट दर्द, कब्ज और एलर्जी तथा डायरिया जैसी समस्याएँ हो सकती हैं। आप इसका चाहें तो साइड इफ़ेक्ट भी आप इसका चाहें तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सिरप के बारे में जानते हैं। तो ये हमारा अगला जो सिरप है वो है एरिस्टोजाइम सिरप। एरिस्टोजाइम सिरप 200 ml के पैक में आता है और बच्चों के लिए छोटा पैक भी आता है 100 ml का। अब इसका ड्राप भी आता है छोटे बच्चों के लिए जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं। तो बात करें इसका क्या यूज होता है, तो इसमें डाइस्टेज तथा पेप्सिन लिक्विड पाया जाता है, मतलब फंगल डाइस्टेज इसमें पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है, जो कि एक एंजाइम है जो खाना पचाने में आपकी मदद करते हैं। बात कर लेते हैं यूज की, तो अगर आपको अपच की समस्या रहती है, गैस की समस्या रहती है, कब्ज की समस्या रहती है, उल्टी की समस्या रहती है, खाना ना पचने जैसी समस्या रहती है, कुल मिलाकर जब आपका खाना अच्छे से नहीं पड़ता है, अपच रहता है, कब्ज रहती है, गैस रहता है, तो इन सभी समस्याओं में इसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसकी वजह से एक फ़ायदा आपको और होगा कि आपको भूख भी अच्छे से लगने लगेगी, खाना भी अच्छे से पचने लगेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डोज के बारे में। तो डोज में इसका 10 ml जो वयस्क हैं वो 10 ml सुबह शाम 2 टाइम ले सकते हैं, और जो बच्चे हैं वो 5 ml सुबह और शाम ले सकते हैं खाना खाने के बाद, ठीक है। और बात करें साइड इफ़ेक्ट की, तो साइड इफ़ेक्ट में एलर्जी या डायरिया जैसी समस्याएं होती हैं, ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट इसे देखने को नहीं मिलते हैं। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करें अगले सिरप के बारे में, तो अगला सिरप हमारा आ जाता है लीव 52, जिसको कि हिमालय कंपनी बनाती है। बहुत ही पुराना सिरप है और बहुत पहले से बनाती आ रही है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट भी है। ये आपके लीवर से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करता है।
अब बात कर लेते हैं इसके क्या यूज होते हैं। तो भूख में कमी अगर आपको होती है, अपच, गैस, कब्ज जैसी समस्याएं होती हैं, लीवर आपका खराब हो रहा है, लीवर में सूजन है या पीलिया की समस्या आपको है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। डोज की बात करें तो वयस्क जो हैं वो 10 ml सुबह शाम लेंगे और जो बच्चे होते हैं वो 5 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद इसको ले सकते हैं। साइड इफेक्ट में एलर्जी और डायरिया शामिल है, ज़्यादातर साइड इफेक्ट इसके होते नहीं हैं। बात करें अगले सिरप की, तो अगला सिरप हमारा आ जाता है जिप्रो सिरप, जो इसमें की जो दवा है वो आपकी मिली हुई है साइप्रोहेप्टाडीन और विटामिन प्लस जिंक इसमें मिला हुआ है। तो इसमें देखिए पैकेजिंग पर इसका मेंशन भी है कि एक टाइप का एपेटाइजर है तथा विटामिन सप्लीमेंट्स है। इसको पैगोडा कंपनी बनाती है। यूजेज की बात करते हैं तो भूख ना लगने या एनोरेक्सिया की समस्या में इसको दिया जाता है तथा कमजोरी और पोषक तत्वों की कमी के पूरा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डोज की बात करें तो 10 ml सुबह शाम जो वयस्क ले सकते हैं, बच्चे 5 ml सुबह शाम ले सकते हैं। बच्चों से मेरा सेंस है कि जो 12 साल से नीचे हैं। और साइड इफेक्ट की बात करें तो इससे ज़्यादा नींद आने की समस्या, उल्टी की समस्या, गैस, एलर्जी होने जैसी समस्याएँ हो सकती हैं। सारे साइड इफेक्ट तो नहीं नज़र आते हैं, पर नींद आने जो साइड इफेक्ट है वो थोड़ा सा नज़र आता है। अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसका उपयोग करेंगे तो ज़्यादा नींद आने लगती है। अगला हमारा सिरप आ जाता है डेक्सोरेन सिरप, जो कि एक हिमेटिनिक टानिक है, मतलब खून बढ़ाने में मदद करने वाले टानिक है। इसमें आपका पाया जाता है आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन सी, ये सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं। बात कर लेते हैं यूज की, तो यूज जो इसका है वो एनीमिया या खून की कमी में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। कमजोरी में, कमजोरी को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सर्जरी के बाद इसको आप दे सकते हैं, जिससे कि थोड़ा खून जल्दी जल्दी बने, जल्दी ताकत आए। और RBC या लाल खून की कमी जब हो जाती है शरीर में तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है, या हीमोग्लोबिन की जब कमी हो जाती है तब इसका उपयोग कराया जाता है। डोज की बात करें तो डोज आपका आ जाता है इसका 10 ml सुबह शाम। BD का मतलब होता है कि सुबह शाम 10 ml आप इसका सुबह शाम उपयोग कर सकते हैं जो वयस्क हैं। बच्चे 5 ml सुबह शाम इसका उपयोग कर सकते हैं, 2 टाइम खाना खाने के बाद इसको आपको लेना है। साइड इफेक्ट में आपका होता है गैस तथा कब्ज की समस्या होती है। तो ये इसके बारे में था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा फेमस सिरप है, बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है ताकत के लिए, खून बढ़ाने के लिए, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए। अगला हमारा सिरप आ जाता है आर्बिटोन सिरप। आर्बिटोन सिरप और डेक्सोरेन सिरप का लगभग जो यूज है वो काफ़ी ज़्यादा सेम है, क्योंकि देखिए आप यूज देखिए एक बार, ये खून की कमी की समस्या में दिया जाता है, कमजोरी और सर्जरी के बाद दिया जाता है, कमजोरी को दूर करने के लिए दिया जाता है, खून की कमी में दिया जाता है, RBC की कमी में दिया जाता है, हीमोग्लोबिन की जब कमी हो जाती है उसमें दिया जाता है, जब आपका खून कम हो जाता है उसमें इसको दिया जाता है, ठीक है। साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं, साइड इफेक्ट में गैस, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज की समस्या, डायरिया की समस्या देखने को आपको मिल सकती है। इसमें भी वही दवाएं होती हैं, आयरन आपका पाया जाता है, फोलिक एसिड पाया जाता है, साइनोकोबालामाइन पाया जाता है, या फिर बोले तो विटामिन B12 पाया जाता है, जो कि इसकी वजह से विटामिन B12 की पाए जाने की वजह से, जब विटामिन B12 की कमी की वजह से हाथ पर झुंझुनाहट रहती है वो भी ख़त्म हो जाती है इसको पीने से। कुल मिलाकर खून की कमी, कमजोरी, लाल खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, इन सभी चीज़ों में इसका दिया जाए, इसको उपयोग किया जाता है, कमजोरी को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो मैं सभी सिरप का आपको बता दिया हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही वीडियो हम डेली आपके लिए लेकर आते रहते हैं।